पिछोर अनुविभाग खोड़ से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत माचमोर में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव से हजारों लोग एकत्रित हुए। इसी दौरान मेले में दंगल कुश्ती का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र से गांव के अनेक पहलवानों ने भाग लिया। कुश्ती में जहां दर्जनों पहलवानों ने जोर आजमाइश की, तो वहीं विजेता एवं उप विजेता नरेंद्र पहलवान ग्राम दीवाट को भी नगद पुरस्कार देकर लोगों में उनका हौसला बढ़ाया। कुश्ती में जहां उप विजेताओं का मैच बराबरी पर खत्म हुआ, तो वहीं प्रथम विजेता गट्टू पहलवान खेरोना से किसी भी पहलवान ने कुश्ती लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिसके चलते गट्टू पहलवान को प्रथम विजेता घोषित किया गया। इसी दौरान संजीव पहलवान पिछोर सैमरी ने नाल उठाकर इनाम लिया। मेले में कुश्ती का आयोजन करने वाली समिति में राम सिंह परिहार, अरुण परिहार आदि अनेक लोग रहे। तो वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष कैरन सिंह लोधी, भोती थाना प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेंद्र यादव के द्वारा मेले में मौजूद रहते हुए मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखी। महेश परिहार, राजकुमार लोधी, राहुल भार्गव, सीताराम जाटव, शिवाजी राजा, दीपू लोधी के साथ सैकड़ों लोगों ने कुश्ती का भरपूर आनंद लिया। खोड़ से आबित बख्श पत्रकार की रिपोर्ट। तो विजेता कौन कौन रहे? जी संतु पहलवान को दिए हमने 7100, पहलवान के लिए दिए हमने 71, के लिए 7100 रुपए। और द्वितीय पुरस्कार, द्वितीय नरेंद्र पहलवान को दिए दीवट वाले को 2100 रुपए। और ये नाल उठाया था किसी ने, इसको आपने नाम दिया? नाल एक पिछोर सेमरी पिछोर के पहलवान ने उठाया, संजीव पहलवान ने उसको दिए ये नाम। उनको कितना इनाम दिया? उनको दिया है 500 रुपए, 1100 रुपए दिए, 1100 रुपए दोनों को दिए, दो थी।